नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या केस की सुनवाई हुई पूरी, बोली उमा भारती, मंदिर के लिए लाखों लोगों ने दी है जान, जल्द होगा राम मंदिर का निर्माण। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चीफ ने भी कबूला, अयोध्या में ही पैदा हुए थे भगवान श्री राम, बोर्ड के चीफ का सामने आया वीडियो। राज्यसभा में बहुमत के करीब मोदी सरकार, शीत सत्र में इस्तीफे से और मजबूत हो सकता है एनडीए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समारोह को किया संबोधित, कहा विश्व खाद्य दिवस को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी। दिल्ली में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है हवा की गुणवत्ता, वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र ने 5 राज्यों की बुलाई बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया निर्देश, कहा कश्मीर में नहीं, हिरासत पर पेश करें रिपोर्ट। हिंदू महासभा के वकील ने पेश किया राम जन्मभूमि का नक्शा, मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धमन ने कोर्ट रूम में ही फाड़ दिया नक्शा। अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा दमाद दलालों की गवर्नमेंट वाले सिद्धांत पर चलती है कांग्रेसी सरकार। मंत्री पीसी शर्मा के बयान पर भड़के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा खराब हो गई है कांग्रेसी मंत्री की मानसिकता। महाराष्ट्र चुनाव में जोरों पर है सावरकर की चर्चा, पीएम ने कहा उन्हीं का संस्कार है जो हमने राष्ट्रवाद को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकतांत्रिक प्रणाली पर उठाया सवाल, मल्टी पार्टी सिस्टम पर भी साधा निशाना। निजी ऑपरेटरों के जिम्मे 150 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन, यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं। तिहाड़ जेल से पूछताछ के बाद चिदंबरम को किया गिरफ्तार, लेकिन जेल से बाहर निकालने के लिए कोर्ट के आदेश का करना होगा इंतजार। कांग्रेसी नेता सिंघवी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा मुंह में राम और मन में नाथूराम। दिल्ली की एक अदालत में सामने आया अनोखा मामला, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़े गए 15 तोतों को अदालत में किया गया हाजिर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुंबई इकाई के भाजपा अध्यक्ष का विवादित बयान, कांग्रेस के वोटरों को बताया दंगई। सऊदी अरब के मक्का में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 35 लोगों की दर्दनाक मौत। शरद पवार का बयान, कहा बीजेपी और शिवसेना से नहीं खुश है कोई, 5 साल में 16,000 किसानों ने की खुदकुशी। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेकर बोले सौरभ गांगुली, बीसीसीआई प्रमुख बनने के अगले दिन ही उठाऊंगा मुद्दा। दया बहन के धमाकेदार कमबैक की खबर सुनकर खुश हुए फैंस, दिशा वकानी ने भी फैंस के लिए शेयर किया वीडियो। स्टाइलिश नेकलेस और फ्रिल साड़ी में सपना चौधरी ने दिखाया जलवा, फैंस ने जमकर की तारीफ। बिग बॉस के घर में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की होगी एंट्री, बिग बॉस की टीम ने खेसारी लाल यादव से किया संपर्क। भूमि पेडनेकर ने सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो, यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल। दसवीं पास के लिए सुनहरा मौका, ग्रामीण डाक सेवक के हजारों पद पर होगी भर्ती। जिला परिषद सदस्य गौरव राय के भाई की गोली मारकर हत्या, भागलपुर जाने के दौरान पर्वत्ता के समीप अपराधियों ने मारी सोनू राय को गोली। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।